क्या महारानी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? ये सवाल कर्नाटक चुनावों के नतीजे के बाद तेजी से उठने लगे हैं। साथ ही नतीजों के साथ ये कयास भी शुरू हो गए कि यदि बीजेपी राजस्थान में महारानी राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो राजस्थान चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। इन तमाम सवालों और कयासों के बीच महारानी दिल्ली दरबार में राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करती हैं। इन मुलाकातों के बाद सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही आने वाले समय में संगठन में बड़े बदलाव की तस्वीरें देखने को मिल सकती है, जिनमें महारानी की अपनी टीम को शामिल किया जा सकता है, जिसमें अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, राजपाल सिंह शेखावत, सुभाष महरिया, कोटा से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, यूनुस खान को जगह मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा दिल्ली में बिसात बिछा रही है, जबकि शेखावत जैसे वरिष्ठ नेता सामूहिक नेतृत्व और मोदी के चेहरे पर चुनाव की वकालत कर रहे हैं, यानी किसी तरह से महारानी को हावी होने से रोकने की कवायद में दूसरा धड़ा जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में भाजपा यह बदलाव प्रदेश में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कर रही है और गुटबाजी से बचने के लिए भाजपा राजस्थान के सभी धड़ों को साधना चाहती है। तो वहीं अंदर खाने चर्चाएं ये भी हैं कि बीजेपी तमाम जातीय समीकरणों को भी साधने में लगी है, जिनमें ब्राह्मण, जाट और राजपूत सोशल इंजीनियरिंग पर काम हो रहा है। ऐसे में सियासी जानकार बताते हैं कि इन कास्ट के चेहरों को सीपी जोशी की नई टीम में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही संगठन के अलावा सत्ता में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। आपको बता दें कि महारानी दिल्ली दरबार से सीधा राजस्थान के उदयपुर में किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। तो वहीं सूत्रों के हवाले से ये चर्चाएं भी हैं कि संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भी बदला जा सकता है, जिनमें अरुण सिंह की जगह महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने की चर्चाएं चल रही है, जिनमें सूत्रों के मुताबिक राजसमंद से भाजपा सांसद दीया कुमारी को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। साथ ही ब्राह्मण चेहरों में घनश्याम तिवारी के नाम पर लगातार चर्चा हो रही है। तो वहीं चूरू सांसद राहुल कासवा को लेकर भी संभावनाएं हैं कि जाट चेहरे के तौर पर उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली को आगे कर भाजपा दलितों को साध सकती है। चुनाव से पहले ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब महारानी किस भूमिका में और किस अंदाज में नजर आएंगी।